और अगस्त 1972 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वनडे खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज डेनिस एमिस का अपना पहला उनका डेब्यू वनडे था। इस पारी में पहला इंटरनेशनल सेंचुरी डेनिस एमिस ने मारी थी। इन्होंने 103 रन बनाए थे और इन्होंने 134 बॉल का सामना किया था। इन्हीं डेनिस एमिस ने जब 7 जून इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड के साथ मैच हुआ था, तब इन्होंने एक पारी 137 स्कोर की खेली थी, जिसके लिए इन्होंने 147 बॉल का सामना किया था और इन्होंने 18 फोर अपनी पारी में मारे थे। और ये पोटेंशियल वर्ल्ड कप किसी भी फॉर्मेट मैच में ये भी पहला इंटरनेशनल सेंचुरी थी।